गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर से वही चीज, पीछे बचा हुआ था थोड़ा सा, जर्नी पूरी नहीं हुई थी, 12th क्लास का पार्ट था, थोड़ा सा बचा हुआ था। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर दैट वन। अर्लियर वी वर हैविंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाउ डिड द ब्रिटिशर्स दे टुक द चार्ज ऑल ओवर द इंडिया एंड हाउ दे वर एबल टू डू ऑल द थिंग्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पार्ट। आई टोल्ड यू अर्लियर अबाउट all the things, ठीक है। तो उसके कुछ parts now we were missing here, so we are coming here for that discussion. So today we will cover here three topics, very 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 important topics that we are going to cover here. You can see here that the Bengal, how the Britishers they control over the Bengal, Battle of Plassey and Battle of Buxar. After these three incidents in the history, Britishers were able to rule over the world. इसके बाद पूरा कब्जा हो गया भारत के ऊपर, दुनिया के ऊपर तो था ही पहले से, ठीक है। ये तीन चीजें, ये तीन घटनाएं आपको इतिहास को बदलते हुए आज दिखाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, हम लोग ध्यान से सुनिएगा, अगर ध्यान से सुनोगे तभी आप कुछ समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल से, कि किस तरीके से बंगाल को ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में लिया। मैंने आपको पहले ही बताया था, आई टोल्ड यू अर्लियर दैट कि जो हमारे जहांगीर साहब थे या उसके बाद भी जितने मुगल राजा हुए, तो उन लोग ने क्या किया, अंग्रेजों को छूट देते हैं, वो फायदा लेते गए क्योंकि वो बहुत बुलास का जीवन जी रहे थे। आपस में लड़ते थे, ब्रिटिश कभी इधर सपोर्ट करते थे, कभी इधर सपोर्ट करते थे, और उनको आपस में लड़ाते थे, एंड दे वर गेनिंग देयर पावर बाय देयर सेल्फ। फाइन, ऐसा चलता रहा, ब्रिटिशर्स काम करते गए, शासक बदलते गए, कमजोर होते गए। तो बंगाल की तरफ आते हैं, बंगाल के अंदर जो पार्ट था बंगाल का, उस वक्त बंगाल केवल बंगाल, आज का बंगाल नहीं था, उस वक्त बंगाल के अंदर दैट वाज द पार्ट ऑफ बिहार एंड उड़ीसा आल्सो। आज आपको बिहार और उड़ीसा दिखाई देते हैं, वो कभी बंगाल का पार्ट हुआ करते। तो एक बहुत ही रिच प्रोमिनेंस हुआ करता था, इलाका हुआ करता था, जिसके ऊपर अंग्रेजों की नजर थी, ठीक है। तो सारे राजा अब तक, औरंगजेब भी पीछे चले गए थे, कमजोर हो गए थे, और उनके जो वंशज थे बहुत ही कमजोर थे, वो आपस में लड़ते थे, इसका फायदा उठाया अंग्रेजों। तो फरखुशियार नाम का एक राजा हुआ करता था, जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग राजा नहीं था, बहुत कमजोर राजा था, क्योंकि वो जिस तरीके से औरंगजेब के बाद जो एक सीरीज चली, वो आपस में लड़ते लड़ते उन्होंने क्या किया, एक साल दो साल तीन साल में चेंज होते गए राजा। तो फरखुशियार नाम का राजा था, जिसने अंग्रेजों को क्या किया, अंग्रेजों को बहुत सारी छूट दे दी। यहाँ लिखा हुआ देखो, मुगल फरखुशियार किंग ग्रेट एग्जेम्पशन ऑन टैक्स, यानी जो ब्रिटिशर्स दे वर अर्लियर डूइंग द बिजनेस, दे वर पेइंग टैक्सेस, बट फरखुशियार ही रिलीज्ड, ही गेव ग्रेट exemptions इन द taxes, ठीक है। फरखुशियार ने टैक्स पे छूट दे दी, उनके टैक्स लगाने बंद कर दिए, बहुत सारी फैसिलिटीज और प्रोवाइड कर दी। रीजन यह था कि वो वीक राजा था और ब्रिटिशर्स के सपोर्ट से ही राजा बना था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास अब एक राइट आ गया, नाउ दे कैन इशू द पास। राजा ने एक्सेप्ट कर लिया, भाई चलो ठीक है, दस्तक, दस्तक मीन्स पास, दस्तक दो, पास सिस्टम मीन्स हम आपको पास इशू करेंगे, दूसरे वर्कर्स को, दूसरे बिजनेसमैन को, तब आपको उस जगह पे या उस इलाके में, उस मार्केट में जाना होगा, फिर आप वहां से कुछ खरीद सकते हैं। इलाका किसका, इंडिया का, राजा कौन, इंडिया का, पास कौन इशू कर रहा है, ब्रिटिशर्स। तो इस तरीके से एक सिस्टम है, ये बहुत बड़ा एक तरीके से आप कह सकते हो कि पावर होल्ड था जो उन्होंने अपने ऊपर ले ली, ठीक है। ये सब कुछ चलता रहा, अंग्रेज अपनी मर्जी का करते रहे, बंगाल के अंदर अपनी पोजिशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते रहे, ठीक है। तो फरखुशियार के बाद, ठीक है, अलावर्दी खान बनता है वहां का नवाब बंगाल का। तो जैसे फरखुशियार था, वही हालत क्या थी, अलावर्दी खान की भी थी। उसने वो ज्यादा कुछ खास चेंज करने की कोशिश नहीं किया अलावर्दी खान ने भी। फिर और आगे चलते हैं, तो उसका जो ग्रैंडसन था वो बना, जिसका नाम था सिराज उद दौला। ये बंदा कुछ अलग था, इसने देखा, ठीक है, कि भाई क्या हो रहा है, वी आर द बंगालीज, वी आर द नवाब, बट वी आर नॉट हैविंग द पावर इन आवर हैंड,
सो ही स्टार्टेड टू ऑब्जेक्ट सो मेनी थिंग्स जो अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अंग्रेजों को बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अलावर्दी खान ने क्या किया था, थोड़ी बहुत पाबंदियां लगाने की कोशिश की थी, स्टॉप किया था। जब सिराजुद्दौला बना तो उसने क्या किया, अंग्रेजों की पावर पूरी तरीके से उसने सीज कर दी, पास का सिस्टम कैंसिल कर दिया, टैक्सेस लगा दिए, प्लस उसने क्या किया अपने लोगों को भी सेम उसी तरीके से छूट दिया, अंग्रेजों के ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया। इस वजह से अंग्रेज हो गए परेशान। फिर इसी वक्त इंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की, बहस होती है, तूतू मैमै होती है। रॉबर्ट क्लाइव बहुत सारी अच्छी पॉलिसीज लेके आता है जहाँ पे ब्रिटिश को पावर मिलता है, गेन करते हैं, और थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े के बाद वो लोग जो ग्रैंडसन थे सिराजुद्दौला के, सॉरी अलावर्दी खान के, सिराजुद्दौला, उसको क्या करते हैं वो लोग कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। फिर भी सिराजुद्दौला मानता नहीं, और जब हालात खराब होते हैं, विपरीत होते हैं, तो क्या होता है, समझौता करना पड़ता है। तो वहां पर उसने समझौता किया और इस तरीके से बंगाल के ऊपर कब्जा हो गया, किसका, ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडियन कंपनी का। आगे चलते हैं, यहाँ पे बंगाल पे कब्जा हो गया, फिर अंग्रेजों ने आगे देखना शुरू किया। तो इसी बंगाल से जुड़ा हुआ है बैटल ऑफ प्लासी, अलग नहीं है, इसी का पार्ट है। अभी तक मैंने आपको बताया था कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल, यानी बंगाल के अंदर हाउ डिड ईस्ट इंडिया कंपनी दे वर एबल टू स्ट्रोंग देयर पावर। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी में आता है, कोई कितना सहेगा, सहते सहते जब कुछ क्षति हो जाती है तो कुछ अलग करना पड़ता है, और वो हुआ हुआ कहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी के अंदर हुआ। अब समझिए, तो बैटल ऑफ प्लासी जो है कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल का ही पार्ट है, तो डोंट थिंक डिफरेंट। अभी तक मैंने आपको कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बताया था, नाउ वी आर कमिंग हियर फॉर द बैटल ऑफ प्लासी। 1757 आ गया, अभी भी सिराजुद्दौला है, ठीक है, और उसने क्या किया, लड़ाई हुई 1757 में, जो कैप्चर किया था, पावर ली थी रॉबर्ट क्लाइव ने, उसने दोबारा से उस पावर को दोबारा से गेन कर लिया। ठीक है, फिर एक और लड़ाई हुई, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसको अपने हाथ में ले लिया। सारा सब कुछ हो रहा कहाँ पे, 1757 में ही हो रहा है। ठीक है, तो बंगाल की जनता जो थी वो किसके साथ थी, वो ब्रिटिशर्स के साथ नहीं थी, बंगाल की जनता थी सिराजुद्दौला के साथ। वो चाहती थी कि हमारा जो शासक है, नवाब है, राजा है, वो अच्छा है। सो दैट्स वाई बार बार हारने या फिर कंट्रोल इधर उधर करने के बाद भी क्या होता था, सिराजुद्दौला के बाद हमेशा वो क्या होती थी, वो पावर आ जाती थी। ठीक है, उसका एक यू कैन से दैट जनरल था जिसका नाम था मीर जाफर, सिराजुद्दौला का जनरल कमांडर सेनापति मीर जाफर। मीर जाफर को बड़ा विश्वास था नवाब के ऊपर, और नवाब भी बहुत बड़ा फेथ करते हैं, तो अंग्रेजों की पॉलिसी रही है तोड़ो और जोड़ो, दे डिड द सेम थिंग। उन्होंने मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया, उसको लालच दिया, भैया हम तुम्हें नवाब बनाएंगे और आपकी जो मर्जी होगी सो करना, बट उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, सिराजुद्दौला को चीट करना पड़ेगा। और वैसा ही हुआ, जब अगली बार मीर जाफर ने कुछ बाउंड्रीज लगाई, कुछ कंसेशन लगाए, कुछ प्रॉब्लम्स किया, तो क्या हुआ, वही हुआ जो होना था, मीर जाफर को धोखा दिया, सॉरी मीर जाफर ने धोखा दिया सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला को धोखा इसलिए दिया कि उसके मन में लालच था, सिराजुद्दौला ने कोशिश की पूरी तरीके से रोकने के लिए, तो अंग्रेजों को उसको अच्छा नहीं लगा, तो मीर जाफर का वो हथियार बना के, जब पूरी सेना एक साथ लड़ेगी नहीं तो कहाँ से राजा जीतेगा, आधी सेना तो गायब। तो मीर जाफर की वजह से सिराजुद्दौला को क्या हुआ, हार का मुंह देखना पड़ा, और वो हुआ कहाँ पे, बैटल ऑफ प्लासी में। मीर जाफर एक नया राजा बना, मीर जाफर एक नया नवाब बना, सेम वो पपेट था, पपेट होने की वजह से कुछ खास नहीं कर पा रहा, जनता नाराज हो रही थी, अंग्रेजों ने देखा भाई रेवेन्यू नहीं आ रहा, मीर जाफर को हटाओ, मीर जाफर को हटाया गया, उसके बदले में फिर से एक व्यक्ति को बनाया गया नवाब, और वो था कौन, मीर कासिम। मीर कासिम जो था सन इन लॉ था मीर जाफर का। ठीक है, मीर जाफर के बाद कौन बना, मीर कासिम। मीर कासिम अलग माइंड का बंदा था, उसने अंग्रेजों से कुछ नहीं बोला, उनके साथ काम करते रहे, पर साथ ही साथ ही वॉज जस्ट मेकिंग हिज कंट्री हिज पार्ट वेरी स्ट्रोंग। वो अच्छे संबंध बनाता था पड़ोसी राज्यों से, अपनी सेना तैयार कर रहा था, उसने एडमिनिस्ट्रेशन की पावर अपने हाथ में ली, और उसके बाद वो धीरे धीरे काम करता रहा। और एक टाइम ऐसा है जब अंग्रेजों ने बहुत अति कर दी, तो मीर कासिम ने क्या कर दिया, मीर कासिम ने भी उनकी बात मानने से मना कर दिया। ठीक है,
तो मीर कासिम ने जब बात मानने से मना किया तो अंग्रेजों के पास ऑप्शन क्या था, फिर वो दोबारा मीर जाफर को लेके आया और मीर कासिम को नवाब पद से हटा के उनको अटैक किया, मारने पीटने की कोशिश की और यहाँ पे क्या हो गई, लड़ाई हुई। ठीक है, किसकी लड़ाई हुई, मीर कासिम की और अंग्रेजों की, और यहाँ पे मीर कासिम हारा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी नाम की जगह पे लड़ाई हुई बंगाल के अंदर, और उसके बाद उसको वहां से भागना पड़ा, मीर कासिम वहां से भाग गया और अंग्रेजों का कब्जा पूरी तरीके से बंगाल के ऊपर हो गया। आगे आते हैं बैटल ऑफ बक्सर, ये ऐसे लड़ाई थी, बक्सर इज द पार्ट ऑफ द बिहार, बक्सर की लड़ाई ऐसी लड़ाई थी जिसने पूरी इंडियन हिस्ट्री को चेंज कर दिया। इसी लड़ाई के बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों का पूरी तरीके से कब्जा हो गया हम कह सकते हैं। हिस्ट्री में बहुत छोटा पार्ट समझाया जाता है बट इट्स हैज अ वेरी ग्रेट वैल्यू, वेरी बिग वैल्यू, इट्स अप टू दैट हाउ वी आर टेकिंग सच काइंड ऑफ द आर्टिकल। फिर इसी का पार्ट है, ठीक है, दौर आया 1764, ठीक है, 57 64, 6-7 साल बाद, ठीक है, मीर कासिम भाग गया था पर वो राजा ऐसा नहीं था, वो लड़ना जानता था। उसने क्या किया, मैंने आपको पहले बताया था, ही वाज मेकिंग हिज ओन आर्मी, तो अपनी आर्मी बना रहा था वो, और उसने अपनी आर्मी बनाई और उसके बाद अकेले तो नहीं लड़ सकता था इतनी बड़ी फौज के लिए, तो कहां गया, सुजाउद्दौला जो उस वक्त अवध के नवाब हुआ करते थे, अवध के राजा हुआ करते थे, उसके बाद वो पहुंचा शाह आलम सेकंड जो मुगल एम्पायर हुआ करता था, छोटे से लाके प्राज कर रहा था, इन दोनों को मनाया, बोला कि यू हैव टू फाइट फॉर मी, हमें अंग्रेजों को भगाना है, और उन्होंने क्या किया, बोला ठीक है भाई हम तुम्हारा साथ देंगे। फिर मीर कासिम को पकड़ना चाहते ही थे तो मीर कासिम को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, पीछा किया, बंगाल से भागते हुए बिहार में आए और 1764 में बक्सर के नाम, बक्सर नाम की एक जगह है, जिला है बहुत बड़ा, इसका ऐतिहासिक वैल्यू बाद में आपको बताऊंगा उसके बारे में। तो 1764 में बक्सर के अंदर लड़ाई होती है मीर कासिम मुगल एम्पायर शाह आलम और सुजाउद्दौला के साथ में, जहां पर ये तीनों सेना मिलकर भी ब्रिटिशर्स को हरा नहीं पाते, ठीक है, और यहां पर ये हार जाते हैं और अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है बिहार के ऊपर। मीर कासिम भाग जाते हैं और उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चलता, वो कैसे जिंदगी जीते हैं। सुजाउद्दौला चले जाते हैं, आपके देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है रोहिलखंड, अब उनसे छीन लिया जाता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है, और जो शाह आलम सेकंड थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर ली, उसके बदले उन्होंने वॉरफेयर पैड किया, ठीक है, और इस तरीके से बक्सर की लड़ाई खत्म होती है। उसके बाद क्या होता है, शाह आलम तो गुलामी स्वीकार कर चुके होते हैं, बाद में सुजाउद्दौला भी वापस आ जाते हैं, अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं और वो अवध के नवाब फिर से बना दिया जाता है और अंग्रेजों के लिए काम करता है, और इस तरीके से बिहार और यूपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बिहार बंगाल उड़ीसा मतलब नॉर्दर्न इंडिया के पूरे पार्ट में कब्जा हो जाता है, किसका, अंग्रेजों का। तो ये थी कुछ लड़ाइयां जो मैंने आपको बताया, जहां पर आपने देखा बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, और किस तरीके से अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे बंगाल को कब्जा कर लिया। फिर से एक रिकैप में चलता हूं, आपको बताता हूं, बंगाल के ऊपर कब्जा किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, यहाँ पर जो मेन लीडर थे दैट वाज द अलावर्दी खान, ठीक है, सिराजुद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव आते हैं, मीर जाफर, ठीक है, उसके बाद हम बात कर सकते हैं मीर कासिम की, ठीक, उसके बाद नीचे आते हैं शाह आलम सेकेंड, सुजाउद्दौला और मीर कासिम फिर से, तो इन सभी चीज़ों की आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, पहले बंगाल के ऊपर कब्जा, बैटल ऑफ प्लासी और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, बैटल ऑफ प्लासी का ईयर है 1757 और बैटल ऑफ बक्सर का ईयर है 1764, और इस तरीके से पॉइंट हमारे यहाँ पे खत्म होता है। बाकी डिटेल्स के लिए वी विल गो फॉर फर्दर।